हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिक खजाना पे। तो डिफ्रेंड आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कि आप शॉर्टकट में HPPSC रिक्रूटमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है असिस्टेंस इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म की हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 76 वैकेंसी है और योग्यता की बात करें तो बीटेक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होना मस्ट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप सभी का SC ST स्टूडेंट का एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होगा और OBC और जनरल स्टूडेंट का फ़ीस 400 रुपये होगा। चलिए इसको ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, आप सभी को वैकेंसी को डिटेल्स में दिखाते हैं और सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, इसके फुल नोटिफिकेशन को भी आप सभी को दिखाते हैं, ठीक है। ऑडियो में बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को पहले विजिट करें तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इस वैकेंसी का जो नेम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट असिस्टेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2022 एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं आप लोग। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो MPP एंड पावर HPSEBL और पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 76 पोस्ट है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर नॉर्मली बात करें तो आप सभी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट भी अप्लीकेबल होंगे। आगे बात कर लेते हैं, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नो नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ HP एंड सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पेकुलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द स्टेट। चलिए बात कर लेते हैं इसके आप सभी की सैलरी की, तो आप सभी का जो सैलरी होगा वो होगा 16,650 रुपये से लेकर के 39,100 रुपये प्लस 5,800 रुपये GP रहेगा, ठीक। चलिए एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो जो आप सभी का एज लिमिट होगा वो होगा 18 से लेकर के 45 साल। एप्लीकेशन फ़ीस बता ही दिए थे स्टार्टिंग में ही, 400 रुपये होगा UR स्टूडेंट के लिए और 100 रुपये होगा OBC SC ST स्टूडेंट के लिए, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, तो रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाई द पर्सनैलिटी टेस्ट, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ हीज हर परफॉर्मेंस इन द पर्सनैलिटी टेस्ट विच विल बी मैक्सिमम 100 मार्क। तो उसमें का जो टोटल नंबर रहेगा वो 100 नंबर रहेगा और यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो आप सभी का जो फॉर्म भरा जाएगा वो 16/3/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कब तक भरा जाएगा, 12/4/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। चलिए आप यहाँ से फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी अपलोड नहीं किया गया, ठीक है। इसके लिए आप सभी को इसके ऑफिशियल साइट पर चलना पड़ेगा। चलिए ऑफिशियल साइट पर चल रहे हैं, तो ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट खुल चुका है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आया हुआ है, ये पहली वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट में देखिए एडवर्टीजमेंट में, तो एडवर्टीजमेंट नंबर इतना असिस्टेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसको चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर रखा हूँ लेकिन आप सभी को विश्वास हो इस वजह से आप सबके सामने डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, डाउनलोड अगेन बोल रहा है, पहले हम डाउनलोड कर चुके थे तो डाउनलोड अगेन हम कर लिए, ठीक। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए आप सबके खुल के सामने आ चुका है। तो ये 16/3/2022 को वैकेंसी अपडेट की गई, जैसा कि आज 16 तारीख है, अभी तुरंत अपडेट किया गया, आप सभी के लिए तुरंत हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट तुरंत पाने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, ये नोटिफिकेशन 12 पेज का है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो मेन चीज़ें जो थी ऊपर हम बता ही चुके हैं, नॉर्मली वही सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में बहुत मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। तो आप नोटिफिकेशन को अगर बारीकी से देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक। तो इस नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैकेंसी डिटेल्स है, आप सभी की जो सैलरी होगी 16,650 रुपये से लेकर के 39,100 रुपये होगी प्लस 5,800 रुपये GP होगा, ठीक। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, 76 पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट की नेम की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट है। और भी आगे से देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, तो और एज देख लीजिए 18 साल से लेकर के 45 साल। तो जो भी मेन चीज़ थी ऊपर ही डिस्कस कर लिए, ये नोटिफिकेशन दिखाने का बस ये एम है हमारा कि ताकि आप लोग को बिलीव हो सके कि ये ऑफिशियल ही नोटिस है, कोई फेक हम नहीं वैकेंसी बता रहे हैं, ठीक है।
तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।